फ्राइडे, आज है जुम्मा, तो आप सभी को मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। और आज मैं क्या कर रही हूँ तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए पूरा सामान बिखरा हुआ पड़ा है, सब कुछ सूखे पत्ते लगे हुए हैं, सो फाइनली देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी सफाई शुरू हो चुकी है और ये सबसे पहले सफाई कर रहे हैं ड्राइंग रूम की विंडो की। जैसे कि अभी आपने देखा, उसी का ग्लास साफ़ करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है इसमें। और ये मेरे हस्बैंड ही साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मुझसे बोला कि तेरा तो हाथ वगैरह कट हो जाएगा, तो उन्होंने ना खुद ने ही साफ़ की थी, मुझे साफ़ करने नहीं दी। तो बस इसमें ना टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लगता है, क्योंकि ये है स्लाइडिंग विंडो। अब स्लाइडिंग विंडो का आपको जैसे पता है कि उसको साफ़ करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें अंदर हाथ ग्लास के अंदर करना पड़ता है साफ। और बाहर क्या है, मेरी स्लाइडिंग विंडो में हमने वो लगवा रखा है नेट, क्योंकि मॉस्किटोज वगैरह आते हैं इसलिए, तो इसलिए इसमें प्रॉब्लम होती है, अगर जाली नहीं होती। फ्रेंड्स, तो अब मैं पोछा लेकर आ गई हूँ, अब ये थोड़ा सा साफ करूँगी। और तो यहाँ पर मैंने भी थोड़ी सी विंडो साफ़ कर ली, मैंने बोला थोड़ा सा मैं भी कर ही लूँ काम, तो यहाँ पर मैंने साफ़ कर लिया है, जबकि मैं पूरी ये क्लीन हो गई है, पर ऊपर ऊपर से थोड़ी सी गंदी थी, तो मैंने सोचा मैं भी साफ़ कर ही लेती हूँ। तो आप देखिए अभी भी साफ़ विंडो कितनी अच्छी लग रही है। एंड अब ये इसको फटाफट साफ़ करने के बाद बस अब बाकी कुछ मैं अब नेक्स्ट डे ही सूट करूँगी, क्योंकि बस बाकी जो मेन ये था सोफ़ा था, ये सब होने के बाद बस। और आप मेरे होलियों को बिल्कुल इग्नोर करना, क्योंकि काफ़ी बेकार हो रही हूँ मैं इस वक्त। हाय फ्रेंड्स, सो आज है सफाई का दूसरा दिन, तो आज मैं इस रूम की सफाई कर रही हूँ। कल जो ड्राइंग रूम की सफाई की थी तो काफ़ी ज़्यादा थक गए थे कल, तो आधा कल किया था और आधा अभी कर रहे हैं बाकी बचा हुआ। तो मैंने ये फेस को रैप इस दुपट्टे से कर लूँगी, क्योंकि ना हेयर वॉश किए थे और मुंह पर और हेयर पर डस्ट लग जाती है, तो फिर बेकार रहता है। तो बस मैं आपको रूम की हालत दिखाती हूँ अभी कैसे सब कुछ। सो यहाँ देखिए सब कुछ हटा दिया है, मैट्रेस हटा दिए हैं, बस इस बेड को भी साफ़ करना है, बहुत कुछ साफ़ करना है अभी। और साथ में टीवी चलाकर म्यूजिक सुनकर काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है, तो मैंने म्यूजिक ऑन कर दिया है और बस अब फटाफट से मैं काम करती हूँ।
तो ये है सेकेंड डे और ये मैं अपने बेडरूम की सफाई कर रही थी। तो सबसे पहले ये वार्डरोब, मैंने इस वार्डरोब का पूरा सामान हटा रही हूँ यहाँ से। ये क्लॉथ्स वगैरह सब रखे हुए हैं। सारा खाली करने के बाद फिर मैंने सर डस्टिंग वगैरह होती है पूरी, तो अच्छे से इसको क्लीन कर ही देते हैं। तो फिर पहले सारा सामान हटा दिया, उसके बाद पेपर्स रखे हुए थे वो भी हटाने के बाद फिर मैंने ये कपड़े से, सूखे कपड़े से ये पूरा साफ़ कर रही हूँ। तो ये ऊपर मेरे वार्म क्लॉथ्स रखे हुए थे वो भी हटा दिए हैं काफ़ी ज़रा। अभी तो ये मेरे साइड का कर रही हूँ, उधर मेरे हस्बैंड के साइड का है, उधर पूरा भरा हुआ पड़ा है, उसको भी साफ़ करना है, खाली करना है। अभी मैं वन साइड का ही कर रही हूँ। सो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था वार्डरोब साफ़ करने में। तो फ्रेंड देखिए, मैंने सभी पर न्यूज़पेपर बिछा दिया है, न्यूज़पेपर लगा दिया है। उसके बाद बस आज के ब्लॉग पूरी सफाई से रिलेटेड ही है, तो आपको यही देखने को मिलेगा। और बस मैं बार बार देखने ऐसे क्या है, मोबाइल लेकर बात नहीं कर सकती, टाइम वेस्ट हो रहा है, मुझे फटाफट क्लीन करनी है। बस अभी यहाँ पर भी लगाना है न्यूज़पेपर, तो बस फटाफट करती हूँ। तो यहाँ देखिए वार्डरोब, जैसे कि मैंने कपड़े साफ़ कर दिया था, उसके बाद यहाँ पर मैं पेपर्स सारे बिछा दूँगी। पेपर से क्या होता है, थोड़े हम कितने भी कोशिश करें इसको साफ़ रखने की, पर क्या होता है कि डस्ट वगैरह आ ही जाती है, क्योंकि विंडो क्या बड़ी बड़ी होती हैं, तो वहाँ से धूल वगैरह चलती है, तो हवा वगैरह चलती है, तो धूल आ ही जाती है। तो कितना भी कोशिश करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर क्या अखबार बिछा कर रखती हूँ, जिससे क्या है गंदा ना हो। सो बस मेरे साइड, अब मैंने मेरा जो साइड था वार्डरोब का वहाँ पर मैंने बिछा दिया। मेरे हस्बैंड का साइड है ये वाला वार्डरोब का, तो मैं उनके साइड ये सब कर रही हूँ ये, और फटाफट मैं सारे अखबार एक साथ बिछा दूँगी। इसके बाद फिर बस कपड़े लगाना रह जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था ये तो। सो बस देखिए फटाफट से मैं ये कर रही हूँ। और इसके बाद क्या था, बेड भी क्लीन करना था, और जो मेरे पास स्विंग चेयर है उसको भी क्लीन करनी थी। मैंने स्विंग चेयर क्लीन का एक ब्लॉग बनाया था, उस टाइम मैंने उसको क्लीन किया था। बाकी पर मतलब 20 से 25 दिन हो गए हैं, पर इतने में डस्ट हो ही जाती है, तो मैंने सोचा उसको भी क्लीन कर ही दूँगी। तो सारे जाले वगैरह सब हटा दिए थे यहाँ से, और अब देखिए ये सब मैं वापस सब पैक करके रख रही हूँ। ये उधर भी मैंने अखबार बिछा दिए हैं, यहाँ भी अखबार बिछा दिए हैं। इसके बाद अब मैं इसको, ये मेरे कपड़े हैं अंदर, तो इसमें मैं अच्छे से साफ़ करके उसको अब सेट कर रही हूँ। सो बस, एंड यहाँ पर चल रही है टीवी, और मुझे म्यूजिक सुनना बहुत काफ़ी ज़्यादा पसंद है। म्यूजिक के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है, काम ना फटाफट होता है, मन भी लगता है। तो बस यहाँ मैं म्यूजिक सुन रही थी। सो बस अब मेरा वार्डरोब भी, मतलब मैंने वहाँ थोड़ा बहुत रख दिया है सामान, यहाँ ये वार्डरोब से ही मैंने अटैच ड्रेसिंग टेबल बनवाया था। उसमें जो ड्रॉर्स है ना, वो काफ़ी देखो कितने भरे हुए पड़े हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा था इसमें सामान, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा था। सब कुछ हटा दिया मैंने, सब कुछ मैंने इसमें से निकाल के ऐसा कर दिया था। उसके बाद अब मैं इसका पूरा सामान सेट करूँगी। देखिए मैंने पूरा खाली कर दिया है, अब इसको भी कपड़े से साफ़ करूँगी। और ये देखिए बेड की हालत, अभी रूम की हालत, ये सब सामान बिखरा हुआ पड़ा है, इसको अभी मैं अच्छे से सेट कर दूँगी। साइड टेबल इधर रखे हुए हैं, और अभी आ रहा है दिल तो पागल है गाना। सो बस ऐसे ही इंजॉय करते करते मैंने सारा काम किया, आप लोग भी ऐसे ही करते हैं ज़रूर बताइए। सो देखिए यहाँ पर ये पूरे मैंने ड्रॉर्स भी अब क्लीन कर दिए हैं, और यहाँ मैंने एक बार बिछा दिया है ये सेकंड वाला, फर्स्ट वाला मैंने ऐसा पूरा सेट कर दिया। ये मेरे नॉर्मल डेली के हैं, लोशंस वगैरह इसमें सब रखे रहते हैं, तो सनस्क्रीन वगैरह तो डेली के यूज़ में आने वाले हैं, तो ये मैं इस तरह से रख दिए हैं। और यहाँ पर ये देखिए थोड़ा बहुत सामान है वो मैं रख दूँगी, मेडिसिन वगैरह जो भी। और बस ऐसे ही इसी तरह से मेरा हो गया था। और यहाँ मैं अपने कपड़े हैंग कर रही हूँ, अपने हस्बैंड की शर्ट्स वगैरह कुछ मेरे थे, ये सब मैं यहाँ पर हैंग कर रही हूँ फटाफट से, क्योंकि हैंग करने वाले जो कपड़े होते हैं ना वो फटाफट में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बस। तो ये मैंने कहा सबसे पहले ये कर देती हूँ वार्डरोब साफ होने के बाद, और उसके बाद फिर बाकी के कपड़े वपड़े हमने सेट किए थे ये फटाफट से लगा दिए थे मैंने। एंड ये देखिए मेरा वार्डरोब कंप्लीट हो गया है, यहाँ बाकी कपड़े वपड़े ये सब थे मैंने सब सेट कर दिए हैं। एंड थोड़ा बहुत मैंने अपने आप को देखी, मेरी हालत देखिए, बिल्कुल इग्नोर कीजिए मेरी हालत को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बुरी हो चुकी थी मैं। और ये अब लास्ट बस फ्लोर का गंदा सामान पड़ा हुआ है, सबको हटा दी, ये देख लीजिए। इसके बाद अब मैं सीधा आपको क्लीन होने के बाद ही सीधा रूम दिखाऊंगी। सो बस ये सब मुझे हटाना था, उसके बाद अब देखिए ये पूरा रूम क्लीन हो चुका है। ये है अब नेक्स्ट डे, मतलब
3 दिन लगे, 3 दिन में पूरा ये साफ हुआ था। ये है थर्ड डे, तो थर्ड डे पर ये देखिए आप, मैंने सब कुछ क्लीन कर लिया है और यहाँ पर अब मेरा रूम साफ साफ कितना अच्छा लग रहा है। कुछ कर्टेंस बाकी हैं अभी इधर, वो धुलने डले हैं, धुलने के बाद उसको मैं लगाऊंगी। सो बस यहाँ पर वाव, सफाई हो जाती है तो कितना अच्छा लगता है। मेहनत लगती है पर मेहनत बाद में रंग लाती है तो बहुत अच्छा लगता है। सो देखिए ये इस पर इतनी ज़्यादा धूल लग गई थी, दिखने में नहीं लगती है पर जब सफाई कर रहे थे उस टाइम काफ़ी ज़्यादा धूल लग गई थी। सो बस इसी तरह से मेरा आपको ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बस देख लीजिए आप लोग मेरा रूम कैसा लग रहा है आपको। मैंने प्रॉपर मेरे रूम का एक ब्लॉग भी बनाया है, आप लोग ज़रूर देखिए मेरे रूम का ब्लॉग जाकर। सो बस यहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, सफाई होने के बाद एक अलग ही लुक नज़र आता है। देखिए मैं आपको एक एक चीज़ दिखा रही हूँ, कहीं भी धूल मिट्टी कुछ भी नहीं है, बिल्कुल साफ अच्छे से मैंने क्लीन किया है। सो फाइनली अब मैं फ्री हो चुकी हूँ। हाँ जी, तो फाइनली मैं फ्री हो गई हूँ। जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा कि मैंने आप लोगों के साथ सफाई का ब्लॉग शेयर किया है, तो मतलब उसमें मैंने ड्राइंग रूम की, साथ में एक बेडरूम की और एक और मेरे हस्बैंड ने सफाई की थी मिलकर, तो काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, बहुत ही ज़्यादा थक गई थी मैं। तो मैंने मुझे कल याद, मैं भी एडिटिंग करने के लिए बैठी तो उसमें देख रही मैंने तो मतलब ब्लॉग का एंड किया ही नहीं, तो अब जाकर मैं ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। सो बहुत ज़्यादा काम रहता है, मतलब मैं तो बस यही बोलना चाहूँगी, कुछ लोगों के जो धीमी होती है कि मतलब क्या है लड़कियाँ क्या काम करती हैं घर में, कुछ नहीं होता, बस घर का काम ही तो होता है, पर घर का काम ईजी नहीं होता, बहुत टफ होता है, बहुत ज़्यादा टफ होता है। जब उसको दे मतलब मैं क्या कर रही थी, जब मैं सफाई से पहले मैं सोच रही थी क्या है थोड़ा ही है, कर लेंगे, जब करनी पड़े ना तो सुबह से शाम हो गई, पता नहीं चला ये भी धोना है, वो भी धोना है, ये सफाई करनी है, वो सफाई करनी है, पता नहीं क्या क्या। सो अभी मतलब एक कॉर्नर में जाकर बैठी हुई, काफ़ी ज़्यादा थक गई, पता है बहुत ज़्यादा थक गए थे, और टीवी भी तेज़ चल रही है तो आवाज़ वो फिर वॉल्यूम आता है, कभी कभी कॉपीराइट आ जाता है, कहीं बीच में सॉन्ग्स वगैरह आ जाते हैं, तो मैं फाइनली एक कॉर्नर में बैठकर बात कर रही हूँ। सो ऐसा रखे हूँ, मेरा ट्राईपॉड भी पता नहीं क्या हो गया है, उसमें लूज़ हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो मतलब मोबाइल उसमें बहुत ज़्यादा लूज़ हो रहा है, तो हाथ से पकड़ो हाथ में दर्द होने लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ऑर्डर में रख दिया है फ़ोन। सो आप लोग मैनेज कर लेना, जैसी भी रोशनी आ रही है बाहर, विंडो खोल रखी है मैंने। सो बस फाइनली जैसा भी है मेरा यही ब्लॉग था, और रूम साफ हो गया है, अभी भी उसके कर्टन जैसा कि आप, मैंने अभी दिखाया है आपको रूम साफ होने के बाद कैसा लग रहा है, पर उसमें कर्टन्स वगैरह अभी मैंने को मतलब अभी मुझे उनको धोना है, उसके बाद मैं कर्टन्स लगाऊंगी, तो बाकी सब हो गया है। और ये जिस रूम में मैं बैठी हुई हूँ इसको भी मैंने कल क्लीन किया था, तो फाइनली अब जाके मैं फ्री हो गई हूँ, और बाकी छोटे मोटे काम हैं वो चलते रहेंगे। तो बस सफाई बहुत ज़्यादा होती है, सफाई करने में हालत ख़राब हो जाती है। सो बस मैं तो मतलब बहुत ज़्यादा लकी हूँ, जो मेरे हस्बैंड इतने अच्छे, जो मेरी हेल्प करवा देते हैं, उन्होंने बहुत हेल्प की, बहुत ज़्यादा स्पेशली वो जो ड्राइंग रूम में जो कांच की जो मेरी विंडो है ना, मतलब पूरी उसको साफ करना बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो ना स्लाइडिंग है, स्लाइडिंग में अपना हाथ अंदर जाता नहीं है साफ़ करने में, तो काफ़ी उसे कटने का भी डर रहता है बहुत ज़्यादा, तो वो मेरे हस्बैंड ही की थी, मैंने बाद में थोड़ी की थी, बाकी उन्होंने ही की थी पूरी। तो बस कैसा लगा आप लोगों के लिए मेरा ब्लॉग ज़रूर बताइए, और जो भी मेरे ब्लॉग देख रहे हैं वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक कमेंट सब्सक्राइब, और मेरे चैनल को जल्दी जल्दी मोनेटाइज करवा दीजिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं वीडियो देख लेते हैं, ब्लॉग्स देख लेते हैं पर ना सब्सक्राइब नहीं करते, सो आप लोग प्लीज़ जल्दी जल्दी सब्सक्राइब भी कीजिए। और ये आज मैं जो शूट कर रही हूँ वीडियो, डे 1 डे 2 डे 3 है आज मैं ये वाले शूट कर रही हूँ, क्योंकि रात में मैं थोड़े से मतलब मैंने छोटे छोटे से क्लिप्स डाले हैं, क्योंकि मोबाइल हर वक्त हाथ में लेके बैठ नहीं सकते हैं, तो बस मैंने थोड़ा सा शूट किया, बाकी काफ़ी। आई होप यू लाइक माई वीडियो, सो डोंट फर्गेट प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड सी यू नेक्स्ट ब्लॉग।